हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल बेसिक कोर्स। आज का न्यूमेरिकल है कि सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम ऑफ 250 mm वाइड इज रेनफोर्स 4 बार ऑफ 25 mm डायमीटर एट एन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 400 mm। इफ M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe415 बार आर यूज, कंप्यूट अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तब हम लोग देखेंगे कि इसमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो गिवन जो है उसमें बी दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है mm, फिर डी दिया हुआ है हम लोग को 400 mm, एफ सी के दिया हुआ है और एफ वाई दिया हुआ 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एफ सी के दिया हुआ है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेंगे पहले ए एस टी होता है क्या, तो 4 × π × 25 कितना है, तो 25 mm डायमीटर है, स्क्वायर बाई 4, तो हो जाएगा 1963.50 mm स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आएंगे फिगर बना लेंगे पहले। ये ब्रेथ है, ठीक है, ये इफेक्टिव डेप्थ है और ये डेप्थ है बीम का। ये 4 बार दिया हुआ है, ठीक है, जिसका टाइम जो है 4 बार 25 mm डायमीटर का। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ कितना दिया हुआ, 400 mm। ठीक है, और क्लियर, ये हो गया क्लियर कवर। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आ जाएंगे स्टेप नंबर 1 में। स्टेप 1 में क्या निकालते थे हम लोग, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में एक्स यू बाई डी इज इक्वल टू 0.87 एफ आई ए एस टी 0.36 एफ सी के बी डी। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 1.1 में। ठीक है, वहाँ जाइएगा पेज नंबर 90 में, ठीक है, वहाँ दिया रहेगा। ये फार्मूला बैठाएंगे, ये फार्मूला हम निकाल लेंगे 0.87 एफ एम लोग पता है 415 है और 1963.50 है, ये एस टी निकला था हम लोग का 0.36, एफ सी के हम लोग का 20 है और बी है 250 और डी है 400। ठीक है, जिससे हम लोग निकल जाएगा 0.984। ये पेज नंबर जो है ये 96 है, सॉरी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हम लोग का वैल्यू यहाँ पर 0.984। ठीक, अब स्टेप नंबर 2 करेंगे हम लोग। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स यू मैक्स बाय डी निकालते हैं हम लोग। तो एक्स यू मैक्स बाय डी जो है वो 0.48 आएगा, क्योंकि एफ ई 415 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके कारण हम लोग का 0.48 होता है। ठीक है, तो एक्स यू डी बाई जो है वो ग्रेटर है एक्स यू मैक्स डी से। ये आपको पेज नंबर 70 मिल जाएगी, कौन सा ग्रेड है तो कितना हम लोग का ये एक्स यू मैक्स बाय डी का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये पेज नंबर 70 में जाइएगा, तो वहाँ से आप उठा के इसका वैल्यू लिख लीजिएगा एफ ई 415 का। ठीक है, इसे पहले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। तो अब आइए, ये होता है क्या, ये क्या हो गया, अब एक्स यू डी जो है ग्रेटर एक्स यू डी मैक्स है, तो ये हो जाएगा ओवर रेनफोर्स। ठीक है, ये हो गया ओवर रेनफोर्स। अब स्टेप नंबर 3 करेंगे हम लोग। स्टेप थ्री में क्या निकालना था हम लोग को, कैलकुलेशन ऑफ अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेस्ट है एम यू
ठीक है। तो ये भी दिया हुआ है एनेक्सा जी में, वन एनेक्सा जी के 1.1 सी में इसका दिया हुआ पेज नंबर, ये भी 96 है, ठीक है। इसमें क्या है कि एम यू लिम इसका 0.36, एक्स यू मैक्स बाय डी 1-0.42, एक्स यू मैक्स बाय डी बी डी स्क्वायर एफ सी के, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग को एम यू कितना हो जाएगा, 0.36 इंटू 0.48 इंटू 1-0.42 इंटू हम लोग का एक्स यू मैक्स बाय डी कितना था हम लोग का, 0.48 इंटू 250 इंटू 400 स्क्वायर, ठीक है। और एफ सी के हम लोग का 20, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 1110.4 इंटू 10^6 न्यूटन एमएम, ठीक है। तो एम यू हम लोग का हो गया, अल्टीमेट मूवमेंट कितना हो गया हम लोग का 110.4 किलो न्यूटन मीटर, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।